और अकेले उम्मीद तेजस्वी यादव हैं कि मोदी को रोकने की जिम्मेदारी, पहले तो चाचा को साथ लेकर ये आगे आगे चल रहे थे कि चाचा और हम लोग मिल करके मोदी के रथ को बिहार में रोकने का काम करेंगे, देश को तबाह बर्बाद कर दिया है, पूरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब कर दी है और इसीलिए देश को बचाना है, इसलिए आशीर्वाद में निकले, लाखों की भीड़ जुटेगी। एक साल में जो काम किया है शायद देश का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो एक साल में इतने बड़े बड़े निर्णय करवा करके और गठबंधन में रहते हुए उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने 5 लाख नौकरी देना, जाति जनगणना कराना। तेजस्वी प्रसाद यादव जनविश्वास यात्रा के दौरान निकल रहे हैं और कल इसकी शुरुआत होगी। हमारे साथ उनकी पार्टी के बहुत मकबूल लीडर हैं अकबुल इस्लाम शाहीन साहब। मुजफ्फरपुर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या अनुमान है कि तेजस्वी को वो भरोसा वो यकीन मिलेगा जिस तरह से सरकार टूटी थी और उस वक्त लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था कि तेजस्वी ही तय है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है और पूरे देश की निगाह और आशा और उम्मीद तेजस्वी यादव हो गए हैं, क्योंकि बिहार वो सरजमीन है जहां पर से एक बड़ा निर्णय होता है और उसका पूरा देश में प्रभाव पड़ता है। और अकेले उम्मीद तेजस्वी यादव हैं कि मोदी को रोकने की जिम्मेदारी, पहले तो चाचा को साथ लेकर ये आगे आगे चल रहे थे कि चाचा और हम लोग मिल करके मोदी के रथ को बिहार में रोकने का काम करेंगे, चाचा जी को किस तरह से ये कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो उनके नतमस्तक हो गए, लेकिन भतीजा उस झंडे को थामे हैं तेजस्वी यादव जी और जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिया है, पूरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब कर दी है और इसीलिए देश को बचाना है, इसलिए आशीर्वाद में निकले, लाखों की भीड़ जुटेगी, हर जिला में लोग इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया है एक साल में जो काम किया है शायद देश का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो एक साल में इतने बड़े बड़े निर्णय करवा करके और गठबंधन में रहते हुए उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने 5 लाख नौकरी देना, जाति जनगणना कराना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना, देश में शायद कोई नेता नहीं जो तेजस्वी यादव ने किया है। इसीलिए उम्मीद पूरे बिहार की जनता को है कि ऐसे ही व्यक्ति को बिहार का बागडोर मिलना चाहिए जो एक साल में इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। अगर 5 साल के लिए इसको मौका दे दिया जाए तो क्या से क्या सकता है, 17 साल, 18 साल, 19 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, आज भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज कहलाता है, आज भी सबसे गरीब राज कहलाता है, आज भी पलायन वाला राज कहलाता है, बद से बदतर स्थिति बिहार की पूरे नीति आयोग से लेकर के देश के तमाम पैरामीटर पे बताता है बिहार क्या हाल है। यही भाजपा, यही जदयू के साथ 15 साल से सरकार है ना बिहार में, क्या स्थिति बिहार की बना के रख दिया है। सिर्फ तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए इन लोगों, केवल 1.5 साल के अंतराल में इतने बड़े बड़े कारनामे किए, इसलिए पूरे बिहार की जनता आशा उम्मीद से इंतजार कर रही है और उनका स्वागत करने के लिए। कहा जा रहा है कि लालू यादव को मशवरा लोगों ने दिया, लोगों ने लालू यादव से मशवरा लिया और कहा कि तेजस्वी तुम निकलो, लोगों को बताओ कि तुमने किया क्या था, अब छोड़ो पटना और बाहर जाओ। हाँ, निश्चित रूप से पूरे जनता की डिमांड है कि तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने वो काम में लग गए, मिशन में लग गए, कैसे रोजगार करें, कैसे हम आरक्षण वाला काम करें, कैसे हम टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये वो तमाम शिक्षकों जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट कर, उस कामों में लग गए, जनता से संवाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन काम का उबाल इतना था, खुशी इतनी थी कि लोग कह रहे थे अरे एक बार तो घूमने आइए, तो जा रहे हैं आप देखिएगा, आप मीडिया आपसे आग्रह 25 में तय है, आप निश्चित रूप से 25 में तो तय है, 24 में इनको चना चबाना पड़ जाएगा जो तेजस्वी जी की लोकप्रियता है।